Hi guys, welcome to another vlog. आज के vlog में हम आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाले हैं आपके आतिया baby को. तो बात शुरू होती है, हमें जाना था अहमदाबाद इवेंट के लिए और सुबह मच चुकी थी हड़बड़ी. हर घर में कैसा होता है जाने से पहले का लास्ट आर, कितना ज्यादा बिजी और कितना ज्यादा कियोटिक होता है. सेम चीज थी हमारे यहाँ पे. आद्या का सिलेक्शन था कि वो हमारे ऑटो में बैठेगी और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आद्या जितना ज्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके वो करे. हमारा ये प्रोफेशन का फायदा ही यही है कि हम आद्या के आसपास रह सकते हैं. 24 में से 20 घंटा तो हम लोग उसके पास ही होते हैं यार. और मैं व्लॉग से पहले आद्या को प्रायोरिटी किसी भी दिन देना चाहूंगी. यही रीजन था कि हमने डेली व्लॉगिंग और मेन व्लॉगिंग बंद कर दिया. एक बैलेंस लेके आई हूँ अपने लाइफ में और अब मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ. और आज ये व्लॉग में उसी बारे में बता रही हूँ, हाउ डिड आई मैनेज माय बेबी एंड माय वर्क टुगेदर. स्टेशन पे पहुंच गए थे हम और डॉट टाइम पे पहुंचे थे, फिर भी देखो आद्या सारे सूटकेस पे ऊपर नाच रही है. यश मामा और आदर्श भैया कहाँ हैं? आ गए. उसी समय यश भी आया है व्लॉगिंग करता हुआ. ये हमारा लिटिल ग्लव टीम का वो है क्या, मेन मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकते. बट एक और रीजन है यश के इतना क्लोज रहने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि व्लॉगिंग मैं नहीं करूँ, कोई मेरे लिए कर दे और मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ. जहाँ मुझे टेक्स्ट लेने पड़ते हैं और जहाँ जरूरी होता है वह मैं करती हूँ. कभी कभी मोमेंट ऐसा चल रहा होता है जब व्लॉग करना है बट यश अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो मोमेंट इन्जॉय करती हूँ, जीती हूँ, रादर देन व्लॉग करो के प्रेशर में रहने से. 3-4 घंटे में हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और मेरे को ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या शूट करना है. मैंने यश को कुछ गाइड नहीं किया, मुझे एक्चुअली ऑफिस का काम स्टार्ट करना है. और इस टाइम पे तुम अगर व्लॉग में ध्यान से देखो तो मेरी सास आद्या को लेके सो रही है, जो आद्या को संभाले हुए सो रही है. और मम्मी ये कब कर रही है? उसके बंदे का यहाँ देखो, ये चाय पी रही है मजे में, मस्त. तो ये मैं आपको रियल टाइम दिखाना चाहती हूँ. अभी खुशी विवेक का भी कॉन्ट्रोवर्सी काफी चल रहा है कि वो लोग ब्लॉगिंग में कुछ और दिखाते थे, रियल टाइम में कुछ और है. तो आई वॉन्ट टू टेल टू माई फ्यूचर ब्लॉगर्स, स्पेशली वुमेन विद बेबीज, हाउ डू आई डू इट एंड हाउ डू वी स्टे रियल टू आर बेबी. भाई वॉशरूम में जाके कौन इतनी मस्ती करता है यार, बस बात डर गई. भाई आद्या व्लॉग शूट कर रही है, बोलो. उधर देखो आद्या. गुड जॉब. और अब इवेंट में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे. हम सीधा फटाफट जैसे ही रूम मिला ऊपर गए, तैयार होना स्टार्ट कर दिया. शिवानी तो यूं तैयार होती है भाई इवेंट के लिए. तो आपको सबसे फनी चीज बताती हूँ, मेरी सास को चोटी बनानी नहीं आती है क्योंकि वो उनका बेटा रहे कभी इसकी चोटी बनी और नहीं है. खुद के बाल तो आपने देखे है कितने बड़े हैं, पापा के भी देख लिए. तो सब बॉयकट बाल के लोग हैं इस घर में, त्यागी. एंड उनको पैदा हो गई है पोती जिसके लंबे बाल मैं कर रही हूँ. मम्मी फुल स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे चोटी बनाने में. यश बीइंग यश सो स्वीट मल्टी टैलेंटेड, वो मामा मोड में आ गया और उसने कुछ चोटी बनाने लगी. बट मजे की बात ये है दोस्तों कि मेरी सास मेरे पास नहीं आई आद्या की चोटी बना दे, अब जब डायपर में पॉटी कर दी है जरा उसको साफ कर दे. नो, शी रिस्पेक्टेड माई वर्क, उसने मुझे स्पेस दिया. उसने अपना काम कैसे भी मैनेज किया, यश को बुला के किया, तुषार को बुला के किया, आद्या रेडी होके मेरे पास नीचे आ गई. ये कोऑर्डिनेशन, ये रिस्पेक्ट अगर आप अपनी माँ को बीवी को नहीं दोगे तो घर बैलेंस नहीं होगा. अब आ जाती है नीचे जाने की. इवेंट के लिए मैं तो निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे टीम के साथ पहले रिपोर्ट करना था. एंड मम्मी इज ऑल अलोन विद आद्या. और आद्या तो शुरू में जब नीचे आई तो शी फाउंड फ्यू सब्सक्राइबर्स, बहुत खेलने वेलने लगी एंड शी एंजॉयड विद देम. बहुत क्यूट थे यार बच्चे, बहुत बच्चे थे, ट्विंस की तरह लग रहे थे, सेम कपड़े पहने हुए, बहुत क्यूट थे. लिटिल क्लब एंड आई वांट टू ओपन दिस एंड सी क्या है इसमें. वाह, तुझे स्लीप पॉइंट के साथ. दीदी देखो ना कितनी सुंदर लग रही है. जब हम इवेंट में गए कि आद्या काफी बार लोगों से नहीं मिलना चाहती थी, बहुत छोटी है वो, 3 साल की है.
पर मैंने अपनी सास से ये चीज़ सीखी है, वो फोर्स नहीं करती मेरी बेटी को किसी से मिलने के लिए, जबरदस्ती नहीं, नहीं हंसो, अगर बच्चा किसी से नहीं कंफर्टेबल है मिलने में तो उसको समझाओ, स्पेस दो, उसका पर्सनैलिटी डेवलप करो, उसको आउटस्पोकन करो, जाके उसको धक्का मारना कि जा तू बात कर, क्योंकि ऐसे टाइम की ऐसी अपब्रिंगिंग से बच्चे नो बोलना नहीं सीख पाते. एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर बेबीज कम्फर्ट. ये मैंने थोड़ा सा लेट सीखा बट सीखा, और मेरी सास ने सिखाया मुझे. आप देख सकते हो एकदम क्लियरली इस क्लिप में आपको दिख रहा है कि मैं YouTube टीम से मीटिंग कर रही हूँ और राइट उसके पीछे मेरी मम्मी आद्या को लेके कितने प्यार से खेल रही है. कोई मुझे तंग नहीं कर रहा, मैं होस्ट कर ही नहीं पाती शो अगर मुझे ये टाइम नहीं मिलता तो. सब कहते हैं ना कि पेरेंटिंग एक फैमिली एफर्ट है, वो ट्रू है. जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो पूरी जॉइंट फैमिली का इक्वल से है उस पेरेंटिंग में. अगर मैं और शिवानी न्यूक्लियर होते, अकेले रह रहे होते, तो हम दोनों के ऊपर होता. एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मेरी सास ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया यूट्यूब टीम के सामने, और बाकी हिरेन और अंकिता भी आए थे, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट और बहुत प्यारे हैं वो लोग, बहुत रिस्पेक्टफुली मुझसे बिहेव किया, क्योंकि मेरी सास, मेरा पति रिस्पेक्टफुली मुझसे बिहेव कर रहे थे लोगों के सामने. अंकिता और हिरेन ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं. पर हो सकता है कि अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को लेके एनकरेज हो और वो भी मेरी बेइज्जती करें. यहीं से इवेंट स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग इवेंट था, बहुत क्यूट क्यूट फैंस आए थे शिवानी से. फैंस नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो लोग. सब्सक्राइबर्स फैम होता है, FAM, फैमिली. दे वर माई फैमिली ब्रोस एंड आई सॉ द शाइन इन देयर मतलब आईज जब उन लोगों ने मुझे हग किया, और मैंने वो फेसेस देखे जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं अहमदाबाद से. ओ गॉड, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट. बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया सब लोगों ने. सबने मेरे लिए हूटिंग की, जो मैं नीचे शिवानी ये ले डले सीटी बजा रहा था कोई बीच में क्राउड में. बट आई फेल्ट अमेजिंग. मेरे को ये काम करना बहुत पसंद है, मैं इसी के लिए बनी हूँ मुझे ऐसा लगता है. जब मैं एकदम क्रेजी टाइप करने लगी थी व्लॉगिंग, तो इन्हीं लोगों ने मुझे आके समझाया कि इट्स गेटिंग ओवर द नर्व, यू आर इन्वॉल्विंग टू मच ऑफ फैमिली. तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, उसको ग्रो करने का स्पेस दो, कैमरा उसके मुंह पे हटाओ. आद्या मुझे बोलती है कि मम्मा मेरे को भी शूट करना है, उस दिन हम उस पर शूट करवाते हैं. ब्लॉगिंग में भी उसी दिन हम उसको फीचर करते हैं जिस दिन वो खुद आना चाहती है. जैसे इस ब्लॉग में शी डिड नॉट वॉन्ट टू कम, वो सोना चाहती थी, तो हमने बोला ठीक है हम लोग नीचे शूट कर लेंगे, आप ऊपर सो जाओ. अब के 11 बज रहे हैं, बट उसको थका रहे हैं हम, कि फिर आराम से वो सो जाए जल्दी से, सो दैट दिस डे एंड्स. हाँ, अभी हमारी हमारी जिम्मेदारी. और ऑल्सो आई वॉन्टेड, मेरी सासू माँ ने बहुत मेहनत कर ली, सुबह से लगी हुई है वो आद्या के साथ, कुछ अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ठाकुर के साथ, वो भी आया अहमदाबाद. ठाकुर अहमदाबाद क्यों आए तुम लोगों को पता है? क्योंकि मम्मी ने कोई व्रत रख, ये तो बताया नहीं आप लोग को, मम्मी ने व्रत रखे हुए इस दौरान, प्रॉपर व्रत में खाना नहीं खा रही. हमने व्लॉग में शूट नहीं किया क्योंकि उनका पर्सनल बिलीफ है, बट बोल तो सकती हूँ ना मैं. स्टेज के पीछे मेरी मम्मी है, इसीलिए मैं स्टेज पे हूँ. और ये डबल शिफ्ट के बाद हमने मम्मी को दिया चिलैक्स टाइम, बोला अब आपको सुबह ही नॉक किया जाएगा. अर्ली मॉर्निंग निकलना था वापस, एज ऑलवेज हम ऑटो में निकले हैं. फिर लेट. अभी पता है कि हमारी ट्रेन 1 बजे है, और मैं और तुषार उठ रहे 12 बजे से, थोड़ी सी आंख खोली, देख रहे सब सो रहे. ये होटल स्टाफ ने हद कर दी प्यार देने की. यार कभी आद्या ने किसी चीज के ऊपर हाथ रख दिया ना, तो ये पूरे समय आद्या, जब मैं उनके सामने खड़ी होती थी तो उनके हाथ में ही सामान होता था आद्या के. They wanted to just celebrate me being there with them. Wow. So, Hyatt Palace won us over. मतलब Hyatt वाला होटल ने हमें जीत लिया था. अहमदाबाद, yes. अरे अहमदाबाद won us over यार. I know Surtis are amazing, but Ahmedabad is, you are too beautiful and emotional and cute. और इस होटल से निकलते हुए भी are going back to Surat. एंड से पहले आप देख सकते हो कि आद्या कितनी इंडिपेंडेंट है, डिसीजन मेकिंग उसका बहुत स्ट्रांग है, हर समय जिद नहीं करती है, अगर आप उसको रीजनिंग दो तो वो अंडरस्टैंड करती है. और ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पेरेंटिंग राइट करने की हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. हम नहीं बोल रहे कि हम राइट कर रहे हैं, बहुत हमारे मेरे हिसाब से हम बेस्ट दे रहे हैं, विच मैटर्स.
उसने स्कूल में टॉप किया इस बार अपने एग्जाम में सारे बच्चों के बीच में। वाओ मेरा बच्चा। ऐसे पेरेंटिंग आद्या की अपब्रिंगिंग के ऊपर व्लॉग्स और चाहिए, हम इसके ऊपर थोड़ी और डिटेल में बात करना चाहते हैं आप लोगों से। जैसे वो रोता है या खाना टीवी के बिना नहीं खाता है या मम्मी को नहीं छोड़ता है, क्लिंजी है बहुत। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम आद्या का ऐसा इंसिडेंट दिखाते हुए और हम उसको कैसे डील करते हैं उसके ऊपर व्लॉग बना सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लॉन्च कर रही हूँ फाइनली एक प्रोडक्ट अपने यूट्यूब शॉपिंग पे। और मैं लिख के दे रहा हूँ, वो इतना यूनिक है आपने ना ही किसी के और उस जगह पे देखा होगा और ना ही आप देखोगे। बेसिक कॉस्ट से अपना परचेस कर सकते हो, एंड बीइंग लिटिल ग्लव चीजें एक्सक्लूसिव तो होंगी।